गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फ्रॉम माय लिविंग वर्ड। टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 8। द नेम ऑफ द लेसन इज एनिमल वर्ड। इन क्लास 1 यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस एनिमल वर्ड, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स। टुडे वी विल डिस्कस इट। लुक एट योर स्क्रीन, दिस इज पेज नंबर 62। लेट्स स्टार्ट। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर मतलब क्या आपको याद है, यानी आपने प्रीवियस क्लास में भी इसको रीड किया है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स। जब आपने क्लास 1 में पढ़ा था तो इसमें बताया गया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होंगे, वो तो आपको भी मालूम है कि हर एनिमल अलग अलग तरह से होते हैं, और जैसे हमारी बॉडी की शेप और साइज़ होती है ऐसे ही एनिमल भी डिफरेंट काइंड के शेप और साइज़ में होते हैं। और सभी एनिमल, ज़रूरी नहीं कि सेम टाइप ऑफ फूड खाते हैं, वो सभी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। सम आर वेजिटेरियन एंड सम आर नॉन वेजिटेरियन, यानी कुछ तो घास फूस खाते हैं और कुछ दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और कुछ ये बताया है इसमें कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स, जैसे हम सबके घर एक जैसे नहीं होते तो एनिमल्स के भी घर एक जैसे नहीं होते। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट वन इज लैंड एनिमल। व्हाट आर एनिमल, आपने पढ़ा है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल, पर इसमें आपको बताया डिफरेंट करके कि लैंड एनिमल थ्री टाइप्स के बताए हैं, लैंड एनिमल, वाटर एनिमल एंड लास्ट वन एक और हम पढ़ेंगे, इसके तीन ही पार्ट कर दिए हैं, एयर हो गया या कोई भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। ओके बेटा, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड एनिमल। लैंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड हैबिट्स। सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम लिव अराउंड अस। लैंड एनिमल भी डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनका डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी शेप साइज होती है, और फूड हैबिट भी उनकी जैसे अभी हमने पढ़ा है तो अलग अलग हो जाते हैं, वही हैं। और सम एनिमल लिव इन द जंगल, कुछ एनिमल जो होते हैं जंगल में रहते हैं, और कुछ जो एनिमल है हमारे घरों के आसपास रहते हैं। तो जो जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल, और जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल। तो इन्होंने इनकी कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट किया। तो लैंड एनिमल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम डोमेस्टिक एनिमल। द एनिमल्स जो अब नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 63, द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड अवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। यू नो वेरी वेल दैट दोज एनिमल हु लिव अराउंड अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। वी ऑल्सो कीप ऑल सम ऑफ देम एज पेट्स, क्योंकि आपके घरों में भी देखा होगा डॉग, काऊ या रैबिट कोई कोई रखते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पेट होते हैं जिनको हम अपने घरों में घर के अंदर रखते हैं। दे आर फ्रेंडली एंड मेक अस फील हैप्पी, और ये हमारे फ्रेंड भी बन जाते हैं और हमें क्या रखते हैं, हमें खुश भी रखते हैं। तो इसमें दिखाया आपको डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, तो ये हमारे हेल्पफुल हैं कैसे, जैसे ये दिखाई आपको बफलो, गोट, शीप, काऊ, तो दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क, तो इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, इसलिए कुछ लोग इनको अपने घरों में रखते हैं, बफलो को, गोट, शीप और काओ को। उसके बाद नेक्स्ट है कि डक, हैन और गूज, सम ऑफ अस आल्सो कीप देम एज पेट, डक, हैन और गूज, दीज एनिमल्स गिव अस एग्स, क्यों, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, एग्स, क्योंकि मैंने पहले भी फूड वाला लेसन उठाया था, सम आर वेजिटेरियन एंड सम आर नॉन वेजिटेरियन, तो हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो कईयों को ये दूध वगैरह मिल्क वाली आइटम्स पसंद है और कई लोग एग को खाना पसंद करते हैं। तो आज हमने ये पेज नंबर 62 और 63 पढ़िया रीड किया है, तो आपने इसकी रीडिंग लेनी है, तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने का पता चलेगा कि लैंड एनिमल में आज हम जो स्टार्ट किया है वो है डोमेस्टिक एनिमल। तो आज आपने ये वाली इस पेज की रीडिंग करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।